इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आयनाइजेशन एनथेल्पी का ऑर्डर क्या होगा फॉर दिस फाइव एलिमेंट्स ठीक है क्या होता है? का मतलब कोई एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एटम हमें बाहर से जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल एलिमेंट्स का एटम स्टेबल स्टेट में रहता है तो जितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा आउटर मोस्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी अब एटम जितना छोटा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा और एटम जितना बड़ा होगा साइज में उसका न्यूक्लियस को उतना ही कम पावर मिलेगा आउटर मोस्ट ऑर्बेटल का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखने के लिए इसीलिए बड़े साइज के एटम का आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा लोअर होता है अब बस आपको जानना होगा कि जो पांच एलिमेंट आपको दिया गया है उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसा है पीरियोडिक टेबल में आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन लिथियम सोडियम ऐसे करके नीचे हैं। फर्स्ट ग्रुप में उसके बाद लिथियम के साइड से शुरू होता है बेरिलियम मैग्नेशियम कैल्शियम स्ट्रॉनशियम फिर बेरियम एंड रेडियम अब जब राइट हैंड साइड पे जाओगे राइट हैंड साइड में क्या होगा एकदम ग्रुप नंबर 18 में यानी कि आखिरी ग्रुप में यहाँ पे सब इनर्ट गैसेस है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन एंड रेडन नोबेल गैसेस के एक ग्रुप पहले आपको क्या मिलेगा हेलोजेंस मिलेंगे फ्लोरीन क्लोरीन ये सब और उसके पहले आपको मिलेगा ऑक्सीजन वाला ग्रुप ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम पोलोनियम अब क्वेश्चन में आपके पास पांच एलिमेंट जो दिए गए हैं उनमें से एक है आर्गन दूसरा है सल्फर तीसरा है सेलेनियम चौथा है कैल्शियम एंड पांचवा है बेरियम अब देखो कोई भी पीरियड में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक जाओगे तो क्या होगा एटम का साइज धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और मैंने अभी क्या बताया छोटा एटम मतलब आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा सो so, आर्गन का आयनाइजेशन एनर्जी अनडाउटेडली सबसे ज्यादा होगा आर्गन वैसे भी इंक्रीज तो होता, होता है इसका मतलब जो बीच का न्यूक्लियस है दैट विल बी इनकेबल ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन विथ मच फोर्स टूवर्ड इट सेल्फ तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा कम हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए तो सेलेनियम का एनर्जेशन एनर्जी सल्फर से बहुत कम होगा अब हम क्या करेंगे लिफ्ट में और जाएंगे लिफ्ट में जाते ही साइज बड़ा होता जाएगा एटम का तो कैल्शियम आएगा उसके बाद और कैल्शियम से भी हम जब नीचे जाएंगे अब आएगा बेरियम उसका साइज और भी ज्यादा बड़ा है सो बेरियम होगा सबसे लास्ट में इसका एनर्जेशन एनर्जी लोएस्ट होगा इन पांचों एटम में तो देखो ये ऑर्डर किसके साथ मैच कर रहा है यहां पे देखो ऑप्शन वन के साथ ये मैच कर रहा है ये होगा आपका करेक्ट चॉइस